जाऊंगा स्थापित। यदि राकेश होते तो क्या सोचते, अरे मैं इतना चिर दीक्षित छोटा हो जाऊंगा, वो कौन मेरे संग के। आज कोई उपसर होता ना कहीं तो मालूम मुनि आचार्य आर्कागण क्या बोलते हैं, बोले मेरे संग के होते तो हम बात करते। ओ धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को, तेरा संग। पर महावीर ने कब कहा मेरा संग तेरा संग। आओ भिंड के ज्ञानियों, रवसेन कितने बेटे हैं, कितने पुत्र हैं आपके? दो पुत्र हैं, उनके पुत्र नहीं है, उनके भी हैं। बेटा बेटा यदि तुम चार भाई हो और तुम चार भाइयों के अनेक बच्चे हैं, वे आपस में लड़ सकते हैं क्योंकि चारों के पिता अलग अलग हैं, बराबर। पर बेटा तुम पिता के नाम पर विषम बात कर सकते, मेरे पिता मेरे पिता। लेकिन प्रश्न है तुम सभी के दादा कौन है, चार हैं कि एक एक। ऐसे मित्र चाहे तुम 13 पंथियों 16 पंथियों 20 पंथियों तारण समय सोनगढ़िया देवगढ़ जितने प्रकार के दिगंबर से जितने प्रकार जैन तुम हो, मेरे मित्र मेरे आपसे कहना है कि आप भले तुम अपने गुरुओं के नाम पर लड़ रहे हो लड़ो, लेकिन तुमसे प्रश्न है तुम्हारे दादा कौन है। महावीर तो एक है, कोई क्या मैं रामानुज पंथ का हूँ, मैं बल्लभाचार्य का हूं, कोई क्या मैं अमुक हूं। अरे भाई तुम बल्लभाचार्य के हो शंकराचार्य के अलग अलग हो सकते हो, लेकिन राम कितने हैं, एक है ना। कम से कम राम के नाम पर एक रहो, महावीर के नाम पर एक रहो। बुरा लगा, अच्छा लगा तो बेटा गांठ बांध लेना। उन लोगों की बातें तो कभी स्वीकार करनी मत जो पंत बात फैलाएं संत बात फैलाएं। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जो पूरे भारत को एक देखे। भारत की सेना में जो सैनिक शामिल हो जाता ना, फिर नहीं कहलाता क्षत्रिय ब्राह्मण जैन और कौन, मात्र भारतीय सेना है बाहिनी। ऐसे ही सुनो मुनिराजो, तुम साधु बन गए, अब तुम नहीं बचे कौन से गोत्र कौन सा कुल कौन सी तुम्हारी उपजाति है, मात्र महावीर की सेना के तुम सैनिक हो। इस बात को भूल जाओ, हम कुछ कुल के जन्मे हैं, ये जाति कुल की भेद तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं निकले। तुम देश की क्या रक्षा करोगे, तुम धर्म की क्या रक्षा करोगे।